दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुलाई में चीन के दौरे पर जाने वाली है, लेकिन इससे पहले वो स्टेट विजिट पर इंडिया आई थी। आपको बता दें कि बांग्लादेश भारत की नेबर फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर कंट्री है, लेकिन बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के इस भारत यात्रा के दौरान ऐसा क्या हो गया जिससे चाइना को गहरा सदमा लग सकता है। दूसरी ओर हाल के कुछ महीनों में ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू करना चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत के साथ बिजनेस को एक तरफा तरीके से रोक दिया था। अप्रैल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा असीफ ने उम्मीद जताई थी कि भारत में लोकसभा चुनाव होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं। इससे पहले 23 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान का बिजनेस ग्रुप भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू करना चाहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े इन दो इंटरनेशनल न्यूज पर डिस्कस करने वाले हैं हम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल न्यूज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच भारतीय करेंसी में व्यापार शुरू हो चुका है और पिछले साल दोनों देशों ने साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। बांग्लादेश के विकास में भारत सबसे बड़ा पार्टनर है और उनके साथ हमारे रिश्ते बेहद अहम हैं। दरअसल भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण किया था, जिस पर बांग्लादेश ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच 1996 में गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन हुई थी। ये ट्रीटी यानी अग्रीमेंट सिर्फ 30 साल के लिए थी, जो अगले साल खत्म होने वाली है। इसके अलावा बांग्लादेश भारत से तीस्ता मास्टर प्लान को लेकर भी बातचीत कर सकता है। तीस्ता मास्टर प्लान के तहत बांग्लादेश बार और मिट्टी के कटाव पर रोक लगाने के साथ गर्मियों में जल संकट की समस्या से निपटना चाहता है। इसके साथ ही बांग्लादेश तीस्ता पर एक विशाल बराज का निर्माण कर इसके पानी को एक सीमित इलाके में कैद करना चाहता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए चीन बांग्लादेश को $1 अरब की रकम सस्ते कर्ज पर देने के लिए तैयार हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन लंबे समय से तीस्ता मास्टर प्लान के लिए बांग्लादेश को कर्ज देने की कोशिश कर रहा है, मगर भारत की नाराजगी की वजह से ये डील अभी तक नहीं हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत नहीं चाहता कि तीस्ता मास्टर प्लान प्रोजेक्ट चीन को मिले। इसकी वजह स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी से जुड़ी है। दरअसल चीन को मिले ज्यादातर प्रोजेक्ट्स वहां की सरकारी कंपनियों को मिलते हैं। ऐसे में भारत को डर है कि वो वाटर फ्लो से जुड़ा डेटा और नदी से जुड़ी कई जानकारी चीनी सरकार को दे सकते हैं। इसके साथ ही यदि चीन को तीस्ता प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसकी लोगों की उपस्थिति भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसके करीब होगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारत तिब्बत भूटान ट्राई जंक्शन है। ये जगह भारत को रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ती है। दोस्तों, तो अब देखते हैं अगले न्यूज को, जो कि पाकिस्तान से जुड़ा है। हाल में ही अमेरिका ने कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत चाहता है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का स्कोप, पेस और कैरेक्टर उनके खुद के ही शर्तों पर हो। अमेरिका उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहता। उधर हाल के कुछ महीनों में ऐसे संकेत मिले हैं जिसमें पाकिस्तान ने भारत के साथ बिजनेस संबंध दोबारा शुरू करने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत के साथ बिजनेस को एक तरफा तरीके से रोक दिया था। अप्रैल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा असीफ ने उम्मीद जताई थी कि भारत में लोकसभा चुनाव होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं। इससे पहले 23 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था पाकिस्तान का बिजनेस ग्रुप भारत के साथ बिजनेस दोबारा शुरू करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मुमताज जरहा बलोच ने
भारत के साथ बिजनेस दोबारा शुरू होने के चांसेस को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। तब से भारत पाक के बीच कोई बिजनेस रिश्ते नहीं है और पाकिस्तान आज भी अपने इस रुख पर कायम है। लेकिन फरवरी 2024 में भारत सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा बिजनेस अब भी हो रहा है, ये समुद्री रास्तों से हो रही है। पड़ोसी देश ने सिर्फ जमीनी सीमा के जरिए होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक तरफा तरीके से रोका था। भारत की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स दिया गया था। इसे खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। इधर भारत ने भी कहा था कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करता, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं। तब से 4 साल बाद तक 5 अगस्त के दिन पाकिस्तान देश भर में भारत के खिलाफ धरने प्रदर्शन करता आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज यही तक। मिलते हैं आपसे एक ऐसी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।